हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म सबसे पहली बात है क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं उन टोटल रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। सम टोटल रिएक्शन क्या है, जो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं, वो डाइजेशन का प्रोसेस हो, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो या बाकी कोई भी चीज हो, दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ध्यान ये रखेंगे, क्या है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म ही है। मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, मेटाबॉलिज्म। अगर देखा जाए मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को हम लोग एम्फीबोलिक पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या होता है एम्फीबोलिक, एम्फी का मतलब ही होता है दो, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म, क्या है कैटाबॉलिज्म, और दूसरा जो है दैट इज एनाबॉलिज्म। तो हम लोग इसको बायोलॉजिकल टर्म में और केमिस्ट्री के टर्म में दोनों टर्म में पढ़ेंगे कि कैटाबॉलिज्म जो है, अगर केमिस्ट्री के लेवल में देखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है यह, है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप पहले से जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी लिबरेट हो, हीट एनर्जी रिलीज हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसी को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब ये कैटाबॉलिज्म जो है इसको डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि किसी भी चीज ऑब्जेक्ट को तोड़ते हैं, और तोड़ने में क्या है, यहां पे हमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है। क्या है, यहां पे एनर्जी रिलीज होती है, सॉरी एनर्जी रिलीज होती है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। तो अगर कभी भी अगर ध्यान रखना है कैटाबॉलिज्म क्या है, एक्सोथर्मिक है, इसके रेस्पॉन्स देखें तो ये क्या होते हैं एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। यहां पे क्या करना पड़ता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। क्या है, यह कंस्ट्रक्टिव। तो मेटाबॉलिज्म जो है दैट इज कंबाइंड फॉर्म है कैटाबॉलिज्म का और एनाबॉलिज्म का। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है दुनिया में छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म हो या बड़ा से बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, सबके अंदर क्या है, मेटाबॉलिज्म होना है, वो कैटाबॉलिज्म हो या एनाबॉलिज्म हो। अब सबसे बड़ी बात है कि इसके एग्जाम्पल का डिस्कस करें कैटाबॉलिज्म का, तो सिंपल एग्जाम्पल आप लोग यही दे सकते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। क्या दे सकते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, तो ग्लूकोज क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस। अब ये ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद में, ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद में यहां पे अगर देखा जाए तो चीजें क्या होती हैं, टूट रही होती हैं, ठीक है ना। किस चीज में, यहां से चीजें जो है टूटती हैं, तो यहां से चीजें रिलीज, यहां से निकल रही हैं, दैट इज कॉल्ड ए कैटाबॉलिज्म। जबकि एनाबॉलिज्म का सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज फोटोसिंथेसिस है। यहां पर हमें एनर्जी देनी पड़ती है। प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 और वाटर, ये दोनों चीजें लेते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यहां पर क्या दे रहे हैं हम लोग, एनर्जी दे रहे हैं। क्या बनाते हैं, यहां पर बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6। तो देखिए यहां पे चीजें जो है, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है। किस चीज में, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है, और यहाँ पे एनर्जी भी मिल रहा है, ठीक है। दो ATP मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ रही है सनलाइट के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चीजें बन रही है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है। किस प्रोसेस में होता है, फोटोसिंथेसिस में। तो कैटाबॉलिज्म जो है दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, जबकि एनाबॉलिज्म जो है दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो फोटोसिंथेसिस सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, एनाबॉलिज्म का, और कैटाबॉलिज्म का सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो है ये किसका हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। ये कोई भी चीज है हम खा रहे हैं तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो ब्रेक डाउन होने के बाद में जो एंड प्रोडक्ट में जो चीजें मिलती हैं, और यहां से एनर्जी की रिलीज हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी की रिलीज हो रही है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। मिलते हैं अगले लेक्चर में।